हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे आर मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान्स बना रहे होंगे, आप सब अपने बीएड की प्रैक्टिकल की फाइल्स बना रहे होंगे। तो अगर आप फाइल बना रहे हो कंटेम्प्रेरी इंडियाज एजुकेशन एंड कंसर्न्स एंड इशू के, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ये सारे टॉपिक्स बनाने में, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं देख लीजिए। वनस्त्री विद्यापीठ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उद्देश्य, इसकी विशेषताएँ, और ये आपका आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NEP 1986 एवं NEP 2020 में समानताएं, NEP 1986 एवं NEP 2020 में अंतर। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और आप आज का सब्जेक्ट क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडियाज एजुकेशन कंसर्न्स एंड इशू, समकालीन भारतीय शिक्षा चिंताएं एवं मुद्दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की ये फाइल। सबसे पहले देखिए आपका असाइनमेंट फर्स्ट है यहाँ पर, ए स्टडी ऑफ अ स्कूल इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब देखिए आगे है आपका, आप सबसे पहले यहाँ पर असाइनमेंट फर्स्ट लिखेंगे और आप इसमें हेडिंग डालेंगे वन असली विद्यापीठ, और आप सबसे पहले लिखेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, आप इसी तरीके से लिख लीजिएगा। मैं जूम कर दे रही हूँ, आप चाहे स्क्रीन शॉट कर लीजिए, चाहे तो आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और अगर आपको क्लियर नहीं है ये वर्डिंग, तो आप 360 रेजोल्यूशन में इंक्रीज कर सकते हैं अपने वीडियो को। तो आप देख लीजिए, आप इसी तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद आपकी हेडिंग होगी वन असली विद्यापीठ के उद्देश्य, आप इसके उद्देश्य लिख लेंगे कि इसके उद्देश्य क्या थे। आई होप गाइस कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद आपकी हेडिंग होगी वन असली विद्यापीठ की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या हैं। ये आपका असाइनमेंट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब आप लिखेंगे असाइनमेंट टू, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एनी टू नेशनल पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन। इसमें आप हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, आप इसमें इसी तरीके से लिख दीजिएगा। आप इसमें हेडिंग डालेंगे सबसे पहला शिक्षा का सार एवं भूमिका। इसके बाद आपकी हेडिंग होगी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी समानता के लिए शिक्षा।
महिलाओं के समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की शिक्षा, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकलांगों की शिक्षा। ये सारी चीजें आप इसमें इसी तरीके से लिख लीजिएगा जैसे लिखा हुआ है। इसके बाद आपकी हेडिंग होगी विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन, पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षा। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा गाइस। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप 360 रिजोल्यूशन पर इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी प्राथमिक मौलिक शिक्षा। नेक्स्ट हेडिंग होगा आपका माध्यमिक शिक्षा। उच्च शिक्षा, इस संबंध में शिक्षा नीति में निम्नलिखित प्रावधान है, आप लिख लेंगे, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया रूप देना, आप इसमें भी लिखेंगे इसी तरीके से। फिर आपकी शिक्षक शिक्षा, अब हेडिंग आपकी शिक्षा का प्रबंधन। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिएगा। संसाधन तथा समीक्षा, ये आपकी हेडिंग है, इसके अंतर्गत भी आप लिख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम। इसमें देखिए क्या क्या थे, 10+2+3 शिक्षा संरचना, नवोदय विद्यालय, विद्यालय समूह, सर्व शिक्षा अभियान, शैक्षिक अवसरों की समानता, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विद्यालय, उपाधि को सेवा से अलग करना, शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक की जवाबदेही। ये हो गए आपके 10 पॉइंट्स जो कि किसमें थे, आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा उठाए गए कदम थे। अब आप हेडिंग डालेंगे नैतिक नई शिक्षा नीति 2020, इसमें भी आप प्रस्तावना लिख लेंगे। नई शिक्षा नीति मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्थान पर 29 जुलाई 2020 को अस्तित्व में आई शिक्षा नीति में यह बदलाव कुल 34 वर्ष के अंतराल के बाद किया गया है, लेकिन बदलाव जरूरी था और समय की जरूरत के अनुसार यह पहले से ही हो जाना चाहिए था। आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी नई शिक्षा नीति 2020 की आवश्यकता क्या है।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या उद्देश्य हैं? आप लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे निष्कर्ष, नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं, इसकी विशेषताएं क्या है। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिएगा। इसमें आपके कुल 10 पॉइंट्स हैं, आप लिख लीजिएगा ये सारे पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आप लिखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की कमियां क्या हैं। आप कमियों के बारे में भी लिखेंगे, इसके उद्देश्य हो गए, इसकी विशेषताएं हो गई। अब आप कमियां लिखेंगे, इसकी कमियां क्या हैं। इसमें भी आपके कुछ पॉइंट किए हुए हैं, आप सब लिख लेंगे। इसके बाद आपकी हेडिंग होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और नई शिक्षा नीति 2020 में समानताएं क्या है। इन दोनों में क्या समानताएं हैं ये आप लिख लेंगे। NEP 1986 एवं NEP 2020 दोनों शिक्षा नीतियों में राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर तय करने की बात कही गई है। NEP 1986 एवं NEP 2020 दोनों शिक्षा नीतियों में 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। NEP 1986 तथा NEP 2020 में शैक्षिक अवसरों पर समानता की बात दोनों शिक्षा नीतियों में की गई है। दोनों नीतियों में नैतिक शिक्षा की बात कही गई है, महिला एवं पुरुष शिक्षा के समानता की बात की गई है। अब है आपकी अपर नेक्स्ट पॉइंट, अंशकालीन शिक्षा एवं पदाचार पाठ्यक्रम की बात कही गई है। नेक्स्ट आपकी लास्ट हेडिंग होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं नई शिक्षा नीति 2020 में अंतर। इसमें क्या अंतर थे देख लीजिए। आप एक तरफ कॉलम बनाएंगे NEP 1986 और दूसरी तरफ कॉलम बनाएंगे NEP 2020। NEP 1986 में शिक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में रखा गया है। NEP 2020 में शिक्षा को शिक्षा विभाग में रखा गया है। NEP 1986 की शिक्षा संरचना 10+2+3 है। NEP 2020 की शिक्षा संरचना 5+3+3+4 है। NEP 1986 मुख्यतः कठिन एवं अनिवार्य से परिपूर्ण मानी जाती है। NEP 2020 अत्यंत सरल, प्रभावी, लचीली, अनिवार्य मुक्त मानी जाती है। तो ये हो गए इसके कुछ पॉइंट्स। आई होप गाइस ये फाइल आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से आपको इसमें लिखने हैं, किस तरीके से हेडिंग डालनी है, कैसे कैसे पॉइंट्स बनाने हैं आपको और किस तरीके से आपको इसके एक्सप्लेनेशन को लिखना है। ये सारी चीज़ें आई होप कि आपको क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास फटाफट से नोटिफिकेशन चली जाए। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही कि नहीं रही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।